ही एवरीवन, वेलकम टू पी आर पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है एक और जबरदस्त की और मज़ेदार की इन्फॉर्मेशन वीडियो में। आज कंटेंट कवर करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड। तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ी न्यूज़ ये आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इसमें इंडिया, वियतनाम एंड चाइना, ये तीन कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। डिटेल में कवर करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या नए चेंजेस हैं, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं ऐसी ही जबरदस्त की मज़ेदार की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ स्पेशली रिलेटेड टू इमिग्रेशन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, और सारी कंट्रीज वर्ल्ड की मैं कवर करता हूँ। टारगेट रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पर मैं फोकस करता हूँ और भी कैटेगरीज को ताकि किसी की एक जनरल तरीके से हेल्प हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। तो गाइज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया हैज़ बिन रिकॉग्नाइज इन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा पार्टनर। इसके साथ चाइना और वियतनाम को भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो मैं बात करूँगा सिर्फ इंडिया की। तो बेसिकली गाइज, ये क्या प्रोसेस है, इसमें आपको एक पूल ऑफ बैलेट में डाला जाएगा। आपकी ऐप की जितनी भी सारी एप्लीकेशन है पूल ऑफ बैलेट में जाएंगी, वहाँ से रैंडमली लोगों को इन्वाइट भेजा जाएगा और आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलेगा। आपको वहाँ पर काम कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप रह सकते हैं वहाँ पर एक साल के लिए। उसके बाद सबसिक्वेंट आपका वीज़ा एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, कैसे करना है अप्लाई, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो डेडलाइंस हैं, डेडलाइंस बेसिकली एक महीने की है। अच्छा टाइम फ्रेम है, यूके में ऐसा नहीं होता, बल्कि यूके में तो सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, इसमें सीट्स भी कम है। तो गेट रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ मैंने क्या क्या रखने हैं। आपका बेसिकली पासपोर्ट होगा, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए वैलिड, जहाँ पर आपके सारे इन्वाइट वगैरह आएंगे, सारी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के थ्रू होगी। तो बेसिकली सबसे पहले आपको करना क्या, आपने एक इमी अकाउंट बनाना है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। वहाँ पर एक ईमी अकाउंट बनाने के बाद एक प्री का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। वो बना के आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और इम्पॉर्टेंटली आपको करना क्या, आपको 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे करने हैं एज अ फी। जैसे आप फी करते हैं, सबमिट कर देते हैं फॉर्म को, फिल कर देते हैं, और जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी पूल में चली जाती है एप्लीकेशन। वहाँ से कम्युनिकेशन डायरेक्टली आपकी ईमेल के थ्रू एक एक्नॉलेजमेंट आती है। ये बेसिकली मोटा मोटा प्रोसेस है। तो बेसिकली सारी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होगी, तो आपके पास ईमेल होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक और चीज़, आपकी जो एज रहेगी बेसिकली 30 से कम होनी चाहिए, 30 ईयर से कम, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अच्छा, ये है मोटा मोटा प्रोसेस। बेसिकली थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं इसको बोला जाऊँ तो इसको बोलते हैं बैलेट सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो गेट रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो पासपोर्ट है, चाहे वो और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे गेट रेडी, बिकॉज 1 अक्टूबर को ये लॉन्च हो जाएगा। ये अभी किसी को नहीं पता, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वीडियो मेरे को लगता है जो मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद और यूट्यूबर्स डालने लग जाएंगे वीडियो। तो बड़ी ही ज़बरदस्त की इन्फॉर्मेशन, बड़ी ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूँ कि इंडियन नेशनल्स के लिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाके काम करना चाहते हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर ग्रैब कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता, कुछ कुछ कंसल्टेशन चाहिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेल्स पीआर पाथवेज पे, या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब सेशन होते हैं सैटरडेज़ को, मैं वहाँ पर ज़रूर आंसर करूँगा। तो ये है आज की वीडियो गाइस। कुछ भी अगर आपको लगता है नहीं समझ में आया, जैसे मैंने आपको बताया, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, तो ये जो बैलेट सिस्टम है, आपको ये बताना है मैंने कि ये अप्रैल 2025 तक आपका पूल में एंट्री वैलिड रहती है। अब जो भी कम्युनिकेशन होगी, टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं बताया अभी तक, कोई ऑफिशियली कुछ बताया नहीं कि कब हम आपको सेंड करेंगे। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की प्री फॉर्म भर के, आपकी पूल में एप्लीकेशन चली जाएगी। अगर वो सिलेक्ट होती है तो उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू डायरेक्शंस आ जाएंगी, आप अपना सब क्लास 462 के लिए फॉर्म भर सकते हैं और अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, ये बड़ी ज़बरदस्त की इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। शेयर कर दीजिए लोगों के साथ जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो में। थैंक यू, बाय।